रायबरेली के नवागंतुक जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ज्वाइन किए जाने के तीसरे दिन लगातार एक्टिव मोड में है। कल जहां कलेक्ट्रेट और अभिलेखागार का औचक निरीक्षण किया, वहीं आज जन सुनवाई से पहले जिला अस्पताल पहुंच गए। यहां उन्होंने मरीजों और कर्मचारियों से सीधे बातचीत कर फीडबैक लेने के साथ ही टेली मेडिसिन और इमरजेंसी की साज बढ़ाए जाने की इच्छा जताई। इस दौरान काफी पहले बनकर तैयार एसटीपी के चालू न होने पर चिंता जताते हुए जल्द शुरू कराए जाने की बात कही है। इस दौरान जिला अस्पताल में उन्नाव से आए मरीज को यहाँ भर्ती देखकर इसे उपलब्धि बताई है। हर्षिता माथुर ने सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड चालू होने की भी जानकारी ली। देखिए, आज मैंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है और ये निरीक्षण जो है एक रूटीन इंस्पेक्शन के रूप में किया गया है, जैसा आप लोगों को विदित है। मैंने अभी ही पदभार ग्रहण किया है और जनपद में जो हमारे स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं उनका जायज़ा लेने के लिए मैं और साथ में CMS साहब के साथ में मैंने इंस्पेक्शन किया है। जो यहाँ के प्रमुख पटलों को देखा गया, जो विशेष सुविधाएं हैं जैसे टेलीमेडिसिन है, सीटी स्कैन है, ECG है, हमारी जो शल्य चिकित्सा का सेक्शन है, बच्चों की जो व्यवस्थाएं हैं, हमारा जो यहाँ पीकू चल रहा है, समस्त को देखा गया है और उसमें निरीक्षण के समय पे सारी व्यवस्थाएं जो हैं संतोषजनक पाई गई हैं। इम्प्रूवमेंट का स्कोप यहाँ पर है, जिसके संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि उसके प्रोजेक्ट्स को बनाकर और बेहतर से बेहतर सुविधा जनता को दी जा सके उसके क्रम में इसको कंप्लीट कर लिया जाए। वर्ल्ड वाइड ड्रेस में नहीं रहता है ना, नर्स ड्रेस में रहती है, इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, जैसा मैंने बोला कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप बिल्कुल है, जैसी हम सुविधाएं दे रहे हैं उन पर हम लोग फोकस कर रहे हैं और जो जो भी स्टिपुलेटेड गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार बदलाव भी लाए जाएंगे। जैसे आप कह रहे हैं, इन सब चीज़ों को भी संज्ञान में लिया जाएगा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।